जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जन्माष्टमी के स्पेशल फोटोग्राफी टिप्स के इस एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, दिनेश पाटीदार फोटोग्राफी के माध्यम से हम सभी मोबाइल से अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करने के ट्रिक्स सीख रहे हैं। दोस्तों, हमने श्री कृष्णा, महाभारत जैसे कई सीरियल्स देखते हैं। इन सीरियल्स में उन सीन्स को इफेक्टेड बनाने के लिए अलग अलग तरह के टिप्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि या तो कैमरे के द्वारा या एडिटिंग के द्वारा इफेक्ट पैदा किए जाते हैं। जैसे हमने देखा श्री कृष्ण सीरियल में, जो श्री कृष्ण का विराट स्वरूप हमने देखा, ऐसे ही हमने लीलाघर की कई लीलाएं देखी जिसमें कृष्ण कई रूप में हमारे सामने नजर आते हैं, या कहीं से रासलीला करते हुए कृष्ण गायब हो जाते हैं, या फिर कई विभिन्न रूपों में हमारे सामने वह दिखते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है, हम जो टीवी पे देखते हैं, क्या वो एज इट इज़ होती है? नहीं होती है, उन्हें फिल्माया जाता है, कई ट्रिक्स से फिल्माया जाता है, या तो वो एडिटिंग की ट्रिक्स होती है या कैमरे की सफाई होती है। तो दोस्तों, आइए हम सभी आज के इस जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड में उन्हीं ट्रिक्स को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इन ट्रिक्स को किया जाता है और हम अपने मोबाइल से इन ट्रिक्स को कैसे कर सकते हैं। और चलते हैं हम उन ट्रिक्स को सीखने के लिए जिससे हम किसी सीन को इफेक्टेड बना सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें राधा और कृष्ण को इस तरह से खड़े कर देना है। अब हमारा मोबाइल एक ट्राइपॉड पर लगाकर इस तरह से क्लिक करना है, हमें दो क्लिक करना है। सबसे पहले हम इस तरह की क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक हमारी इस तरह से रहेगी, और अब दोनों फ़ोटो को मर्ज करके और सेकंड पिक की हमें ओपेसिटी कम करके और उसे पेंट कर देना है। तो दोस्तों, इस ट्रिक को बनाने के लिए राधा एवं कृष्ण की दो वीडियो हमें कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। अब वीटा ऐप में जाकर कृष्ण की वीडियो को ओपन कर लेना है और पीआईपी फंक्शन से राधा की वीडियो को ऐड करके दोनों के बीच कुछ इस तरह से मास्क लगा देना है। ना नींद नैना ना अंग चैना उसमें समा गए मेरे बैर। Right now and press the bell icon. Never miss an update.